नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री जिसमें है कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कोडेड रिलेशनशिप। तो इसमें कुछ एक कोड दिया होगा, उसके अनुसार आपको ठीक है क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, कोडिंग के हिसाब से चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपको पी इंटू क्यू, मीन्स है पी इज द फादर ऑफ क्यू। ठीक है, P डिवाइडेड Q मीन्स है P इज ए डॉटर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स है P इज ए सिस्टर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स है P इज ए हस्बैंड ऑफ Q। ठीक है, तो B मल्टीप्लाई D प्लस H F, तो ठीक है डिवाइडेड F है, तो हाउ इज F रिलेटेड टू B, F का B से क्या संबंध है, यह निकालना है इस कोडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री डायग्राम। ठीक है, तो फैमिली ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखो B मल्टीप्लाई D, पी मल्टीप्लाई क्यू, सेम देख लो सेम है ना, तो इसका मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी इज द फादर ऑफ, देखो बी इज द फादर ऑफ डी, यहाँ तक आए सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी प्लस एच, तो पी प्लस क्यू, तो पी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, तो डी प्लस एच का मतलब क्या आ जाएगा, डी इज ए सिस्टर ऑफ एच, तो डी इज ए सिस्टर ऑफ एच। ठीक है, आगे ना समझ, नेक्स्ट देखो एच भागित एफ, ठीक है एच डिवाइडेड एफ, पी डिवाइडेड क्यू, तो पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, तो यहाँ से क्या है एच इज ए डॉटर ऑफ एफ, तो एच इज ए डॉटर ऑफ एफ, एफ की डॉटर है। अब देखो अभी क्या है, ये दोनों बहन बहन है, ठीक है दोनों बहन बहन है, ये इसकी डॉटर है, ये इसका पिता है, या डी का पिता है, ठीक है एच का भी पिता होगा, तो ये क्या होगी इसकी पत्नी होगी ना, तो हम किस में लगाते हैं, ठीक है सर्कल में, तो ये बस फैमिली ट्री डायग्राम आना चाहिए। तो क्या कह रहा है, हाउ एफ रिलेटेड टू बी, एफ का बी से क्या संबंध है, ठीक है एफ, एफ क्या हो गया, एफ का बी से संबंध पूछा, तो किसका हो गया बाएफ का। ठीक है, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी माइनस आर प्लस पी, ठीक है जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जी माइनस आर प्लस पी, ठीक है डिवाइडेड टी, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, तो जी का टी से क्या संबंध, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, ठीक है जी का टी से संबंध निकालना है, तो बस कुछ नहीं सिंपल है। देखो जी माइनस आर है, सबसे पहले देखो जी माइनस आर है, यहाँ माइनस वाला देखो, तो मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो जी क्या हो गया जी इज द, बस जी इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो जी आर का हस्बैंड हो गया। ठीक है, जी प्लस पी क्या हो गया, जी प्लस पी प्लस वाला देखो पी जे सिस्टर ऑफ क्यू, तो आर इज ए सिस्टर ऑफ पी, तो आर इज ए सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, पी भागे टी, ठीक है पी डिवाइडेड टी से क्या मतलब है, पी डिवाइडेड टी, पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, तो P इज ए डॉटर ऑफ Q, तो ठीक है P भाग T है, तो P इज ए डॉटर ऑफ T, तो P इज ए डॉटर ऑफ T, ठीक है P इज ए डॉटर ऑफ T, तो हाउ इज G रिलेटेड टू T, पूछा गया G का T से क्या संबंध है, हाउ इज G रिलेटेड टू T, तो G का T से क्या संबंध है, अब आपको ठीक है आसानी से देख सकते हो, ये क्या है दोनों इसकी पुत्री है, ये क्या हो गया पुत्री का, पुत्री से शादी हुई है, ठीक तो पुत्री से शादी हुई है तो क्या हो गया दामाद हो गया, तो दामाद हो गया तो क्या हो गया सन इन लॉ, आंसर क्या आ गया सन इन लॉ। ठीक, तो इस प्रकार बस फैमिली ट्री डायग्राम होना चाहिए, आसानी से सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया, नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट है एम, ठीक है डिवाइडेड टी इन टू क्यू माइनस आर, तो देखिए एम डिवाइडेड टी, तो ठीक है अभी हमने बताया था डिवाइडेड में क्या हो जाता है, डिवाइडेड में क्या होता, ठीक है तो देख यहाँ से डिवाइडेड का देख लीजिए, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, तो डिवाइडेड का देखिए एम डिवाइडेड टी है, यहाँ से ये यह, तो पी इज ए डॉटर ऑफ पी, तो एम इज ए डॉटर ऑफ पी, एम इज ए डॉटर ऑफ टी, टी की डॉटर होगी, ठीक है टी मल्टीप्लाई क्यू, टी
मल्टीप्लाई क्यों, तो मल्टीप्लाई का सबसे ऊपर वाला था, ऊपर वाले में क्या था, पी इंटू क्यू था, कैसे था, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो क्या हो गया, टी इज द फादर ऑफ क्यू, टी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू के फादर है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है टी, ठीक है, टी इज द फादर ऑफ क्यू, ये टी है आपका। नेक्स्ट क्या है, क्यू माइनस आर, माइनस वाला देख लो, तो क्या है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, आर के हस्बैंड, ठीक है, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो आर क्या हो गया, सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, ये फैमिली ट्री डायग्राम आ गया आपका। अब देखो जो जो भी पूछा हो आप आसानी से कर पाओगे, तो ठीक है, फैमिली ट्री डायग्राम आपको पता है, ठीक है, तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपको, हाउ इज जी रिटर्ड टू, क्वेश्चन पूछा था क्यू रिटर्ड टू एम, ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा है क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है, ठीक है, क्यू रिलेटेड टू एम, इसके क्वेश्चन पूछा है क्यू रिलेटेड टू एम, तो क्यू का एम से क्या संबंध है, ठीक है, तो क्यू का एम से क्या संबंध है, क्यू का एम से क्या संबंध है, दिख रहा है किसमें है, सर्कल में, ट्राइंगल में आ रहा हूँ, इसी के बारे में पूछा, तो क्या संबंध हो गया, क्यू का एम से संबंध क्या हो गया, क्यू का एम से संबंध हो गया भाई का, ब्रॉदर, ब्रॉदर, ठीक है, तो क्या हो गया, ब्रॉदर, बस इस प्रकार कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछा था ना, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, इसको हम आसानी से कर पाए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक कोडिंग दे रखी है आपको, पी डॉलर क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी हैज क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी एट द रेट क्यू, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी परसेंटेज क्यू, तो पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है, तो आपको जी ठीक है एक कोडिंग दे रखी है, इसमें बताना हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी का टी से क्या संबंध है इस कोड, ठीक है, इस कोडिंग के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, पी एंड टी, ठीक है, मतलब हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो देखिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, फैमिली ट्री डायग्राम बनाइए, फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले देखो पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या होगा, पी द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी द हस्बैंड ऑफ क्यू, कहीं बना लो, पी द हस्बैंड ऑफ क्यू के हस्बैंड, ठीक, अब क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू इज द मदर ऑफ एम, एम की माता हो गई, ठीक है, एम हैज टी, तो हैज टी वाला ये हो गया, P इज द फादर ऑफ क्यू, तो M इज द क्या हो गया, फादर ऑफ T, ठीक है, इस हिसाब से ये हो रहा है ना, इसके एक्रोन देख, P इज द फादर ऑफ क्यू, तो M बन, तो M इज द फादर ऑफ T, ठीक है, M इज द फादर ऑफ T, T के पिता आ रहे हैं, ये आ गया, तो ये फैमिली ट्री डायग्राम आ गया आपको, ठीक है, इससे आपको जो निकालना है तो क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है, P का टी से क्या संबंध, तो पी टी, तो पी कौन आ रहा है, देखो पहली सीढ़ी क्या होती है, पुत्र की, फिर पिता की, फिर दादा दादी की, तो पी का टी से क्या संबंध किसका होगा, दादा का, क्लियर आ रहा ना समझ में, तो ग्रैंड फादर, कैसे भी कर लो या दादा कर लो, दादा या ग्रैंड फादर जो भी करना हो, ग्रैंड फादर, ठीक, ये आगे समझ में, ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ठीक, तो इसका सम आया था ग्रैंडफादर, ठीक, अब देखो नेक्स्ट है एफ एट द रेट डी, तो एफ एट द रेट डी, ठीक, एफ एट द रेट डी, एट द रेट पी, तो पी द हस्बैंड ऑफ पी, तो एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, ठीक है, डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, तो परसेंटेज वाला देख लो, पी इज ए डॉटर ऑफ पी, तो डी इज ए डॉटर ऑफ के, ठीक है, डी इज ए डॉटर ऑफ के,
के की डॉटर हो गई, ठीक है, डी इज ए डॉटर ऑफ के, तो के ऊपर आ गया। देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। एफ एट द रेट डी, तो देखो एफ एट द रेट डी का क्या हो गया, पी एट द रेट, ठीक है, एट द रेट वाले पे जाओ, तो एट द रेट है, तो एट द रेट वाला कौन सा, ये ना कि ये, तो देखो पी द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, डी परसेंटेज के परसेंटेज वाले पे जाओ, ये पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो डी इज डॉटर ऑफ के, ठीक है, के हैज एच, तो हैज वाला कौन सा है, ये पी इज फादर ऑफ क्यू, तो पी इज फादर ऑफ क्यू, तो क्या के इज ए फादर ऑफ एच, के इज क्या आ जाएगा, के इज ए फादर ऑफ एच, एच के पता आ जाएगा। क्या पूछा, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का एच से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ एरा एच एरा क्या संबंध है, सीधा सीधा देखो पत्नी है, तो पत्नी का, ठीक है, और ये इसका भाई या बहन है, तो देखो ये दोनों क्या है, या तो भाई होगा या बहन बहन होंगे, लेकिन ये तो इसकी बहन ही होगी ना, तो बहन का पति क्या हो गया, जी जी ठीक है, बहन का पति क्या हो गया, इतना तो समझ में आ रहा ना, बहन का पति आपका क्या हो गया, जीजा, ठीक है, आ गया ना, तो जीजा को क्या बोल सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, तो आंसर क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जी डॉलर एम, नेक्स्ट है जी डॉलर एम, ठीक है, देखो जी डॉलर एम, ये इसका क्या है, इसका ही फैमिली डायग्राम लगाना पड़ेगा, तो देखो डॉलर के लिए क्या होता है, सबसे पहले डॉलर का हमें पता होना चाहिए, तो देखो डॉलर के लिए क्या लेते हैं, देखो इस टाइप से कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो देखो डॉलर के लिए क्या लेते हैं, ठीक है, यही है ना इसका, ठीक, तो देखो डॉलर के लिए क्या लेते हैं, डॉलर के लिए देख लो जी एट द रेट एम, ठीक, तो देखो डॉलर के लिए क्या दे रखा है इसने, डॉलर एम एरा, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो जी इज द, तो जी इज द क्या है, मदर ऑफ एम, एम की माता हुई, ठीक, जी इज द मदर ऑफ एम, अब एम एट द रेट के, एट द रेट वाला एरा, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एम इज द हस्बैंड ऑफ के परसेंटेज एच, परसेंटेज वाला देखो पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो के इज डॉटर ऑफ एच, तो के इज डॉटर ऑफ किसकी, एच की, के इज डॉटर ऑफ एच, ठीक है, तो के आ जाएगी डॉटर ऑफ एच, ठीक है। अब क्या पूछा, हाउ एम रिलेटेड टू एच, तो एम का एच से क्या संबंध, हाउ एम रिलेटेड टू एच, ठीक है, तो एम का एच से क्या संबंध है, एम का एच से क्या संबंध है, ठीक है, अब देखो एम का एच से क्या संबंध है, इसका इससे संबंध पूछा है, रिलेशन बिटवीन एम टू एच, तो हाउ इज रिलेशन बिटवीन, हाउ इज एम रिलेटेड टू एच, तो एम का एच से क्या संबंध हो गया, तो क्या हो गया, ये इसका लड़की लड़की का पति क्या हो गया, मेहमान, तो मेहमान को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ, मेहमान का आ गया सन इन लॉ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सन इन लॉ, ठीक है, इस प्रकार हम कर रहे हैं, चलो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आता, सन इन लॉ, ठीक है, ये आ गया ना, देखो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, मतलब जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस ऑप्शन में से, ठीक है, वह ऑप्शन कौन सा है जिसमें सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है, जिसमें सी ए का ग्रैंडसन मतलब नाती है, सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है, सी ए का नाती है, तो नाती आ गया, ग्रैंडसन आ गया,
तो देखो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ग्रैंड सन, सन क्या हो गया, मिला रहा तो ट्राइंगल में होना चाहिए सबसे पहले सी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे और कम टाइम में कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सी ट्राइंगल में कहाँ आ रहा है, ठीक। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं, देखो ए डॉलर बी, ठीक है, ए डॉलर बी, ठीक है। तो सेम वही मेथड है आपको लगाना, ए डॉलर, ठीक है, डॉलर वाला जो हमने अभी लिया था, तो ए डॉलर बी। तो ए डॉलर बी का मतलब क्या हो गया, देखो एक बार लिख लेते हैं, साइड में लिख लो, देखो पी डॉलर क्यू का मतलब पी इज ए मदर ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज ए मदर ऑफ क्यू, पी माता क्यू की, ऐसे लिख लो पी माता क्यू, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक था पी है क्यू, तो ये क्या था, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्या थे, फादर ऑफ क्यू, ठीक है, पिता किसके, क्यू के, ठीक है। अगला देख लो पी एट द रेट क्यू, इसमें क्या था, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो पी क्या था, पति किसका, क्यू का। एक नेक्स्ट रह गया पी परसेंटेज है, पी परसेंटेज क्यू, पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, तो पी पुत्री क्यू की, क्यू की, ठीक है, क्यू की पी पुत्री क्या था, पुत्री क्यू की। तो देखो करते कैसे, ठीक है, ये इसने क्या बोला, सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, सी द ग्रैंड सन ऑफ ए, ए का ग्रैंड सन किसने। सबसे पहले आप देखो सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी पहले ऑप्शन में देखते हैं, सी परसेंटेज डी, तो सी का परसेंटेज वाला देखो इधर, तो पी पुत्री है क्यू की, तो सी पुत्री हो गए, सर्कल हो गए, तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो। नेक्स्ट देखो सी एट द रेट डी, एट द रेट पी एट द रेट क्यू, तो पी पति है क्यू का, तो ये मे भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे बाद में। नेक्स्ट देखो सी डॉलर बी, सी डॉलर बी, तो डॉलर वाला कहाँ, एरो पी माता है क्यू की, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सी एट द रेट ई, देखो सी एट द रेट ई, तो सी एट द रेट ई पी पति है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। आगे देख लो डी, ठीक हैज सी, इसको देखो डी हैज सी, तो डी हैज सी लोगे तो कैसे निकल आएगा, देखो डी हैज सी, हैज वाला देख लो, एरो पी पिता है क्यों का, ठीक पी पिता है क्यों का, तो मेन चीज़ अभी ये दोनों हमें चेक करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ए डॉलर बी, बी को चेक करते हैं, ए डॉलर बी, तो ए डॉलर बी का मतलब पी माता है क्यों की, तो ए माता है बी की, ठीक है, ए माता है बी की, ए माता है बी की। नेक्स्ट देखो बी हैज सी वाला कौन सा है, अजय वाला, तो पी पिता है क्यों का, पी पिता है क्यू का, तो बी पिता है किसका, सी का, बी पिता हो गया सी का। नेक्स्ट वाला देखो सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी, इससे पी पति है क्यू के, तो सी क्या हो गया, पति हो गया किसके, डी का, सी पति हो गया किसका, डी का, ठीक है, सी पति हो गया डी का, ठीक है, सी पति हो गया डी का, सी पति हो गया डी का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लो, सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, तो ए का ग्रैंड सन सबसे पहले देखो पुत्र पिता दादा, तो ये आ गया ना सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, तो आंसर कौन सा आ गया आपका, सेकंड बी वाला, ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया था आपका, बी। मैंने सबसे पहले